नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK पैरामेडिकल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि DMAT फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए अपन 1 जनवरी 2021 से एक न्यू बैच स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत अपन तीनों ही सब्जेक्ट्स क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग और एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी की बातें करते आए हैं और लेक्चर्स अपन काफ़ी सारे लेक्चर्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन बात करेंगे दोस्तों CSF एग्जामिनेशन की। ये जो एग्जामिनेशन है वो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि एक यूरिन हुआ और CSF हुआ, ये दोनों ही एग्जामिनेशन अपने आप में अच्छा कंटेंट रखते हैं, अच्छा वेटेज रखते हैं एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि सर आप हमें अदर बॉडी फ्लूइड्स कराएं, मैं आपके लिए अदर बॉडी फ्लूइड्स करा देता, लेकिन यदि आपको CSF का केमिकल एग्जामिनेशन समझ में आ जाता है तो आप अदर बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, सारे के सारे अदर बॉडी फ्लूइड्स के अंदर आप केमिकल एग्जामिनेशन को समझने में सक्षम होंगे। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने डिसाइड किया था कि सबसे पहले आपको CSF को कम्प्लीट कराएंगे, उसके बाद में आपके लिए अपन क्या कराएंगे, अपने जितने भी अदर बॉडी फ्लूड्स हैं उनको मैं आपके लिए परफॉर्म करा दूंगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, 2-3 दिन से वायरल है, तो इसीलिए आपके लिए कुछ क्लासेस में भी डिस्टर्बेंस हुआ है और आज भी मैं थोड़ी सी क्लास लेने की कोशिश करूंगा, देखता हूं कब तक क्लास ले पाता हूं। सबसे पहले अपन बात करेंगे CSF एग्जामिनेशन के बारे में कि CSF एग्जामिनेशन जो होता है दोस्तों वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखें ताकि ये समझ में आए। सबसे पहले आप देखें CSF का फुल फॉर्म क्या होता है, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूड, यानी कि सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूड, यानी आपके जितने भी स्पाइनल फ्लूड जो होता है आपका, स्पाइनल का मतलब होता है कॉर्ड, कॉर्ड के बाहर सेरिब्रल के अंदर जितना भी जो फ्लूड पाया जाता है उसको अपन कहते हैं सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूड, यानी कि CSF। अब इसके अंदर अपन क्या क्या बातें करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अपन इसका डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है इसका। उसके बाद में इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। उसके बाद में इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आपके लिए बढ़ाया जाएगा इसका कलेक्शन, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसी के अंदर इसका कलेक्शन, और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक, ये 4-5 टॉपिक्स आज के वीडियो में कवर करेंगे, और अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो अपन इसी के अंदर इसका फिजिकल एग्जामिनेशन को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इसके अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं उनको आप समझ लें। सबसे पहला, इसके अंदर आप इंट्रोडक्शन को गौर से पढ़ें और साथ के साथ पेन कॉपी लेकर के राइट करते जाएं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप पढ़ने वाले हैं एनाटोमिकल पार्ट को पढ़ेंगे आप थोड़ा सा इसके अंदर। और किसका एनाटोमिकल पार्ट पढ़ेंगे आप, आपने अगर पढ़ा हो ब्रेन वगैरह तो उसके अंदर आप इसको देखने वाले हैं, ब्रेन का थोड़ा सा एनाटोमिकल पार्ट अपन इसके इंट्रोडक्शन, फंक्शन और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के अंदर देखने वाले हैं। ठीक, सेकेंड इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है दोस्तों इसका कलेक्शन। इसका कलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि जर्नली LT जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं वो इसका कलेक्शन नहीं कर पाते हैं, इसके लिए ट्रेंड नर्स, ट्रेंड फिजिशियंस जो होते हैं वही इसका कलेक्शन कर पाते हैं। तो गौर से समझिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कोशिश कर सकते हैं, आप थोड़ा सा नॉलेज मिलेगी आपको अच्छी। उसके बाद में इसके अंदर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन तो इम्पोर्टेंट होता ही है, आप पहले इन टॉपिक्स को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और फर्स्ट हेडिंग लगाएं आप इंट्रोडक्शन, और देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं। चलिए देखिएगा दोस्तों, आपका फर्स्ट पॉइंट जो आता है CSF एग्जामिनेशन के अंदर वो आता है इसका इंट्रोडक्शन। ठीक, सबसे पहले आपको एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पूरा का पूरा ब्रेन से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड तक का डायग्राम होता है, इसको कुछ इसी प्रकार से बनाया जाता है। अब आप देखिएगा, ये जो आपका है ब्रेन है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक, अब इसके अंदर आप CSF कहाँ पाया जाता है, तो CSF आपको ये जो आपकी ब्लू लाइंस दिख रही हैं ये क्या है, CSF पाया जाता है, इसे कहते हैं सेरिब्रल स्पाइनल कॉलम। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल कॉलम,
कॉलम के अंदर पाया जाता है पूरा का पूरा CSF, स्पाइनल कॉलम के अंदर पाया जाता है जो कैसा होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है। ठीक, इसके अंदर आपको CSF मिल जाएगा, ये ब्रेन होता है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। अब इसकी थ्योरी को देखें, थोड़ा सा समझें। CSF इज प्रेजेंट इन द कैविटी दैट सराउंड द ब्रेन इन द स्कल। स्कल यानी क्या होता है आपका, कपाल। कपाल यानी खोपड़ी जिसे कहते हैं अपन। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, कैविटी दैट सराउंड द ब्रेन इन द स्कल। स्कल के ब्रेन के पास में जो सराउंड एक कैविटी पाई जाती है एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के पास पाई जाती है इन द स्पाइनल कॉलम, स्पाइनल कॉलम के अंदर। यानी कि स्कल की कैविटी जो कि ब्रेन के अंदर पाई जाएगी, स्पाइनल कॉलम जो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर पाया जाता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है CSF। ठीक, क्लियर। सेकेंड पॉइंट आता है इसी के अंदर, द वॉल्यूम ऑफ CSF इज अबाउट 150 ml। कितना वॉल्यूम होता है, 150 ml होता है। ठीक, इट इज कंपोज्ड बाय 99% ऑफ वाटर। ये पानी से 99% बना हुआ होता है, यानी कि वाटर कितना फॉर्म करता है CSF को, वो करता है 99%। ठीक, ध्यान रखना है इस चीज को। सेकेंड पॉइंट आता है, इट इज फाइनली ऑब्जर्व इन टू द ब्लड इन द सेरिब्रल वेन। सेरिब्रल वेन के द्वारा CSF को फाइनली ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है, वो इसका छोटा सा डायग्राम जिससे आप समझ सकते हैं कि CSF किधर पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फंक्शन ऑफ CSF। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ CSF देखिएगा दोस्तों। सेकंड पॉइंट है आपका फंक्शन ऑफ CSF, यानी कि बॉडी के अंदर CSF पाया जाता है लेकिन इसका कुछ कार्य तो होगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बॉडी के अंदर चाहे कोई भी पार्ट हो, चाहे कोई भी फ्लूड हो, चाहे कोई भी टिश्यू हो, जो भी हमारे अंदर पाया जाता है उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है और इसी वजह से उसको हमारी बॉडी डेवलप करती है। ठीक, तो आप हर एक चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर भी बता देता हूँ कि किसी भी टॉपिक को आप एज ए एग्ज़ाम में आएगा इसकी दृष्टि से ना पढ़ा करें, उसको ऐसे पढ़ें ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आगे चल करके आप अगर उस चीज़ को आपसे कोई पूछता है तो आपके पास में फुल डिटेल उसके बारे में होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा फंक्शन ऑफ CSF के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका देखें, द मेजर फंक्शन ऑफ CSF इज प्रोवाइड बेसिक मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक, इसका मेजर फंक्शन होता है CSF का, बेसिक मैकेनिकल सपोर्ट देता है एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के लिए बेसिक मैकेनिकल सपोर्ट देगा और इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन देता है। किसके लिए, ब्रेन के लिए। क्लियर। सेकंड पॉइंट है आपका, इट ऑल्सो एक्ट एज ए मीडियम। ये एक मीडियम की तरह कार्य करता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस। एक चीज को दूसरी जगह पर ले जाने के लिए सब्सटेंसेस यानी कि पदार्थों को फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन टिश्यू से एंड स्पाइनल कॉर्ड से किसके लिए, ब्लड तक। कहने का मतलब यह है कि जो CSF होता है वो बॉडी के अंदर पाया जाता है लेकिन इसका जो वर्क होता है, एक वर्क ये भी होता है, ये माध्यम की तरह काम करता है और माध्यम की तरह काम किसके लिए करता है, ब्रेन टिश्यूज के लिए और स्पाइनल कॉर्ड के लिए। ये क्या करता है, इनसे किसी भी सब्सटेंस को ब्लड तक ले जाने का काम करता है कौन, CSF। चाहे वो नेसेसरी हो चाहे वो अननेसेसरी हो, हर चीज के लिए, यानी कि ये जो CSF बॉडी के अंदर पाया गया, इसका एक प्रोटेक्शन का कार्य बता दिया और दूसरा कार्य बता दिया एज ए पोस्टमैन। ये पोस्टमैन का काम करता है, किसके लिए पोस्टमैन का काम करता है, ब्लड के लिए काम करता है और कहां से लेकर के आता है, ब्रेन टिश्यू और स्पाइनल कॉर्ड से किसी भी चीज को पकड़ेगा और ब्लड के अंदर उसको ड्रॉप कर देता है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के लिए, ब्रेन टिश्यूज के लिए पोस्टमैन का कार्य कौन करता है दोस्तों, उसका कार्य करता है अपना CSF, यानी कि सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूड ब्रेन टिश्यू से स्पाइनल कॉर्ड से किसी भी सब्सटेंस को लेकर के आएगा और ब्लड के अंदर उसको छोड़ देता है, तो ये ट्रांसफर का काम करता है। क्लियर। सेकंड पॉइंट है आपका इसी के अंदर, इट हेल्प टू प्रोटेक्ट। ये हेल्प करता है प्रोटेक्शन के लिए द ब्रेन, ब्रेन की एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की फ्रॉम द इंजरीज। इंजरीज का मतलब होता है किसी से चोट लगना, यानी कि जैसे आप बाइक राइड कर रहे हैं और आपको अचानक से क्या हो जाती है, बाइक स्लिप हो जाती है और आप गिरते हैं, तो आपकी हल्की फुल्की जो चोटें आती हैं, इंजरी जो हो जाती हैं, उनसे आपके ब्रेन को, आपके स्पाइनल कॉर्ड को
प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, सीएसएफ। तो इसीलिए सीएसएफ एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। सीएसएफ एक अच्छा फ्लूड होता है जो कि अपनी बॉडी के अंदर दो मेजर पार्ट्स, जो कि बॉडी उन्हीं दो पार्ट्स पर डिपेंड होती है, फर्स्ट इज ब्रेन एंड सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड। अगर आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, बॉडी कोई काम की नहीं है। अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो जाती है तो आपकी बॉडी कोई काम की नहीं है। तो इसीलिए सीएसएफ एक अच्छा फ्लूड माना जाता है जो कि अपने बॉडी के अंदर दो मेजर पार्ट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। सेकंड अपन बात करेंगे सीएसएफ का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिएगा दोस्तों, सेकंड पॉइंट आपका इसके अंदर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ का क्लिनिकली महत्व क्या होता है उसके बारे में बात की गई है। फर्स्ट पॉइंट देखें, CSF examination is done in the laboratories for the diagnosis of meninges. अब ये meninges क्या होता है और diagnosis क्या होता है? Diagnosis तो आप जानते होंगे, किसी भी बीमारी का पता लगाना क्या कहलाता है? Diagnosis कहलाता है। Any disease के बारे में, अपन किसी भी disease के बारे में डिटेल से अपन उसकी स्टडी करते हैं, उसका पता करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि ये disease किसकी वजह से हुई है, उसे diagnose कहते हैं। Meninges का मतलब होता है दोस्तों लियरिंग्स। लेयरिंग का मतलब आप समझ सकते हैं, किसी भी पार्ट पर जितनी भी जो लेयर्स होती हैं उसको मेनिंजीज अपन कह सकते हैं, ठीक है। इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजीज। किसके अंदर? इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजीज, यानी कि ब्रेन की या स्कल की जितनी भी जो लेयर्स होती हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाना, उनमें स्वेलिंग हो जाना, उसके लिए अपन इसका डायग्नोसिस करते हैं। द लिनिंग ऑफ द स्कल एंड कवरिंग लेयर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स, ठीक। इन्फ्लामेशन ऑफ किसका, किसका इन्फ्लामेशन होगा? लेयरिंग ऑफ द स्कल्स कवरिंग लेयर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। स्पाइनल कॉर्ड की लेयरिंग, स्कल की लेयरिंग और ब्रेन की लेयरिंग के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, मेनिंजीज यानी लेयर्स का, लेयर्स को कहते हैं मेनिंजीज। इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजीज का मतलब आप समझ गए होंगे, किसी भी परत का उभरना या फिर उस पर स्वेलिंग आ जाना या फिर उसका दीर्घादित बनना क्या कहलाता है? इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजीज कहलाता है। सेकंड, मेनिंजीज कॉज डिस्टर्ब इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये जो मेनिंजीज में जो अपना जो दिक्कत आती है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं? सीएनएस के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो गया होगा, तब जाकर के इन्फ्लामेशन होते हैं। किन के? मेनिंजीज के। ये इसका छोटा सा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्पेसिमेन कलेक्शन, कि अपन इसका स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा टॉपिक, पाँच नंबर के अंदर भी आपसे ये पूछा जा सकता है, तो गौर से देखिएगा। स्पेसिमेन कलेक्शन ऑफ सीएसएफ के बारे में बात कर रहे हैं कि सीएसएफ का स्पेसिमेन अपन कैसे कलेक्ट करते हैं, ठीक। फर्स्ट पॉइंट देखें आप इसके अंदर, द स्पेसिमेन इन इज कलेक्टेड बाय द फिजिशियन अ स्पेशल ट्रेंड टेक्नीशियन और नर्स। द स्पेसिमेन इज कलेक्टेड बाय द फिजिशियन अ स्पेशली ट्रेंड टेक्नीशियन और नर्स। इसके द्वारा इसको कलेक्ट किया जा सकता है, यानी कि कोई भी विदाउट ट्रेनिंग, कोई भी फिजिशियन ये इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, जिनको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होगी वही इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट आता है, द स्टरलाइज लंबर पंक्चर नीडल इज द इंसर्टेड बिटवीन द थर्ड फोर और फोर फिफ्थ लंबर वर्टिब्रल टू अ डेप्थ ऑफ 4 to 5 centimeters, ठीक। आपके पास में एक लंबर पंक्चर के नाम से एक नीडल आती है, उसको स्टरलाइज नीडल लेनी है आपको, और L3 से L4 या फिर L4 to L5 के बीच अपने को क्या करना है, उस निडल को 4 to 5 centimeters तक इंसर्ट कर देना है, ठीक। उसको इंसर्ट करना है, क्यों इंसर्ट करना है L3 L4 और L4 L5 के बीच ही, ये आप मेरे को सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताएं और फिर मैं आपको बताऊंगा, सभी के जवाब दूंगा आंसर्स का कि इसके अंदर क्या होता है। नेक्स्ट जब अपन वीडियो करेंगे इसी टॉपिक के अंदर, तो उस टॉपिक के अंदर अपन इसके बारे में बात करेंगे कि L3 से L4 और L4 से L5 के बीच ही अपन CSF लेने के लिए लंबर पंक्चर करते हैं तो उस निडल को क्यों इंसर्ट करते हैं, फटाफट से मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है मैं आपको अभी भी बता सकता हूं, लेकिन आप भी कुछ अपनी तरफ से मेहनत करें
और जो भी मेरे को सबसे पहले टेलीग्राम पर मैसेज करेगा पर्सनली इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको मैं साथ के साथ बता दूंगा कि ये क्या प्रॉब्लम है। ठीक, सेकंड बात करते हैं। द फ्लूड इज कलेक्टेड थ्रू द निडल इनटू टू टेस्ट ट्यूब्स, यानी कि दो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर अपने को फ्लूड को क्या करना है दोस्तों, लेना है। क्यों लेना है? एक तो लेते हैं अपन बैक्टीरियल कल्चर के लिए और एक लेते हैं अपन CSF के लिए। देखिएगा, फर्स्ट ट्यूब फर्स्ट अबाउट 0.5 ml ऑफ CSF फॉर बैक्टीरियल कल्चर, ट्यूब टू अबाउट 3 to 5 ml ऑफ CSF। ठीक, यानी कि 3 to 5 ml CSF लेते हैं, वो तो ट्यूब सेकंड में ले लेंगे और ट्यूब फर्स्ट में 0.5 ml अपने को CSF लेना है। 0.5 ml से अपन बैक्टीरियल कल्चर करते हैं और 3 to 5 ml के लिए अपन CSF का होल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, तो ये होता है छोटा सा इसका आपका कलेक्शन, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नॉर्मल कंपोजिशंस ऑफ CSF, फटाफट से हेडिंग लगा लें नॉर्मल कंपोजिशंस ऑफ CSF। देखिएगा दोस्तों, नॉर्मल कंपोजिशंस ऑफ CSF के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको जितना भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चल सके कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। सबसे पहले कंपोजिशंस के अंदर इसका कलर देखते हैं तो ये कलर लेस होता है। अपीरेंस देखते हैं तो ये दोस्तों क्लियर होता है। pH इसका 7.3 to 7.4। अब आपके लिए एक और वर्ग, ये और किसका पीएच होता है 7.3 to 7.4, मैं आपको करा चुका हूं। ये मेरे को आपको बताना है कि ये जो पीएच है ये किसके बराबर होता है, यानी कि ऐसा कौन सा फ्लूड पार्ट पाया जाता है अपने बॉडी के अंदर जो कि उसका भी पीएच इतना ही होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि मेरे को पता चल सके कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। जरूर बताना 7.3 to 7.4 और किसका पीएच होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.003 to 1.008 होती है इसकी। सॉलिड की बात करें तो इसमें 0.85 to 1.70 ग्राम पर डीएल पाया जाता है, जिसके अंदर प्रोटीन 15 to 47 पाई जाती है। ग्लूकोज जिसमें 40 to 80 mg पर डीएल पाया जाता है। क्लोराइड जिसमें 700 to 750 mg पर डीएल पाया जाता है। सोडियम की बात करें तो 144 to 154 इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट पाया जाता है। ठीक, MEQ का मतलब होता है मिली इक्विवेलेंट। ठीक, पोटेशियम पाया जाता है 2.02 to 3.5, क्रिएटिनिन पाया जाता है 0.5 to 1.2 mg पर डीएल, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है 0.2 to 0.6 mg पर डीएल, यूरिया पाया जाता है 6 to 16 ग्राम पर डीएल। ये होता है इसका कंपोजिशन, यानी कि एक CSF फ्लूड को बनाने में एक CSF फ्लूड के अंदर इतना सारा कुछ इसके अंदर क्या होता है पाया जाता है, यानी कि इनसे बना हुआ होता है CSF। ठीक, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें और मेरे को जरूर बताएं कि ये जो पीएच है 7.3 to 7.4 और किसका होता है। जरूर कमेंट बॉक्स में करें कमेंट ताकि मेरे को पता चल सके कि आप किस प्रकार से कर रहे हैं अपने एग्जाम की तैयारी। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अंतर्गत हमने बारीकी से देखा था कि इंट्रोडक्शन क्या होता है CSF का, फंक्शंस क्या होते हैं CSF के, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है CSF का, स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट किया जाता है CSF का, और लास्ट टॉपिक देखा नॉर्मल कंपोजिशंस क्या होती हैं CSF की। अब इसके अंतर्गत अपना नेक्स्ट जो वीडियो आएगा क्लिनिकल पैथोलॉजी से, उस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ CSF के बारे में, जिसके अंदर फिजिकल केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन को अपन स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आप हो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर और के बटन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और यही कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम जो देना है वो आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए देना है, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है ताकि मैं आपको दूसरी क्लास आपके लिए प्रोवाइड करा सकूं। लेकिन जितना कोशिश होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कराता आऊँगा ताकि आपका कोर्स जल्दी कवर हो सके। अभी कोई भी ना तो कोई टाइम टेबल जारी हुआ है, ना ही अभी कोई एक जो रियलिटी में जो सूचना होती है वो अभी मेरे को नहीं लगता है कि 22 तारीख से आपके एग्जाम्स हो सकते हैं। जहाँ तक है 99% होने चाहिए, क्योंकि अभी जो आपकी जो डेट है वो शायद 10 है,
तो इसीलिए अभी कोई पता नहीं है, शायद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आपको अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करनी है, एकदम प्रिपेयर हो लें ढंग से, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों में तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दें, ताकि आपके और भी साथी हमसे जुड़ सकें और इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।